प्रेम से बोलो प्यारे हो धन अंगार जी की भावना जो हर एक में है उसको किस तरह मानवता के उपयोग के लिए लगाया जाए। मन से ये कर्ता भाव या अहंकार ना हो कि हम सेवा कर रहे हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, बल्कि हम अगर सेवा कर पा रहे हैं तो ये परमात्मा की कृपा से हमारे भाग्य में आ रही है। और सेवा कैसी भी हो वो छोटी नहीं होती, बस भाव मन के सेवा के हों। ये तन मन धन जो है हमारा इस परमात्मा ने दिया है, और अगर इसको किसी तरह भी इसका सदुपयोग करते हुए हम मानवता के परोपकार के लिए लगा दें तो वाकई ही हमारा जीवन अपने आप ही श्रेष्ठ बन जाएगा। वो फिर हमको कोई उसमें उस तरह आर्टिफिशियली हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, वो सहज भाव वाली बात आ जाती है कि सेवा में फिर एक ये दिखावा नहीं रहता, वो सहज भाव आ जाता है। मन में तो हमारे काफ़ी बार ऐसी अवस्थाएं आती रहती हैं कि कभी कोई अवस्था आ जाती है, कभी हम ठीक बैठे हैं अचानक से उदास हो गए, अचानक से फिर खुश हो गए, या कैसी भी मन की जब अवस्था हो उससे फिर विपरीत भावनाएं भी हमारे अंदर कभी आ जाती हैं। तो वो विपरीत भावना भी जब आ गई तो कैसे उस तरह वो बात हो कि अगर कोई नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आ भी रहा है तो जैसे एक पाँव में कांटा लगने वाली बात होती है, वो कांटा हम नहीं चाहते कि ज़्यादा देर हमको चुभा रहे ताकि हमें तकलीफ बढ़े। हमारी कोशिश रहती है कि उसी समय वो कांटे को निकाल के दूर किया जाए। ऐसे ही जो कोई भी विपरीत सोच हमारे अंदर आ रही है, कोई बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो उसको हमने अपने मन में ज़्यादा देर घर नहीं करने देना। साथ के साथ ही इस परमपिता परमात्मा इस मालिक का निरंकार का आसरा लेते हुए कि ये ख्याल भी जहाँ आ रहे हैं खुद को भी परेशानी दे रहे हैं, और जिसके लिए ये ख्याल आ रहे हैं वो अगर ख्याल कर्म में तब्दील हो जाएं तो उसको भी आगे नुकसान होगा। तो कैसे ये इससे पहले कि वो सोच व्यवहार में आ जाए उसको वहीं ख़त्म करने वाली बात है। कैसे संतों ने यही सिखाया है कि हमें जहाँ शुरुआत अपने आप से करनी है, वो जो मन की अवस्था है हमारी, जैसे इधर बहुत युगों युगों से आते रहे हैं और बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, तो ऐसे ही ये ज्ञानेश्वर जी की भी वो कहानी हर एक ने सुनी होगी कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को उनके पास लेके आती है और कहती है वो बीमार है, तो वो बच्चे को देख के कहते हैं कि अगले दिन लेके आइएगा, कल लेके आइएगा। तो जब अगला दिन हो जाता है और फिर से वो माँ अपना बच्चा उनके पास ले जाती है तो वो उनको बच्चे को कहते हैं कि तुम स्वस्थ हो जाओगे अगर गुड़ खाना छोड़ दो। तो ये माँ के ख्याल में आता है कि क्यों इस बच्चे को अगर इतना ही समझाना था कि ये गुड़ को छोड़ देगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी, तो उन्होंने आगे से ये बात समझाते हुए कहा कि यदि कल आप आ जाते तो मेरे कक्ष में मैं अपने सामने गुड़ की थाली रख के बैठा था, फिर मैं कैसे उस मुँह से उस बालक को बोल सकता था कि गुड़ नहीं खाना जबकि मैं खुद उस गुड़ का सेवन कर रहा था। तो कैसे संतों ने पहले खुद अपने कर्मों में सब एक अच्छी बातें ढाली हैं और फिर उसका प्रचार किया है आगे। फिर वही संत आगे ऐसे भी समझाते हैं कि हमने कुछ पा लिया है, जैसे मीराबाई जी भी कहते थे कि ये पाया जा सकता है ये प्रभु परमात्मा। कैसे हम अगर एक एक चीज़ को संतों की ये बात समझ लें तो हमारे जीवन में वाकई ही फिर ये जो हालात जो भी हों ये उथल पुथल नहीं होती, एक ये शांति का एहसास, ये कामनेस, ये पीस वाली बात है। ये जो भी चीज़ है ये इस परमात्मा की ही है, तो जब हम इस परमात्मा से ही जुड़ जाते हैं ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके, तो फिर सब स्थिति हमको इस मालिक के मुताबिक लगती है। तो कैसे फिर हम जहाँ वो बैलेंस की बात करते हैं कि ये ज्ञान और कर्म का जो बैलेंस है, तो वो सिर्फ दो पंख वाली बात, जैसे एक चिड़िया के एक पक्षी के होते हैं,
ये ज्ञान भी तब तक ही हमारे एक फायदे के लिए हमारे को एक उससे वरदान रूप में है, जब तक हम उसको कर्म में नहीं डालेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा हमारे लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ज्ञान अगर प्राप्त कर भी लिया, मालिक से नाता जुड़ गया, अपनी पहचान हो गई, तो साथ ही साथ हमारे जीवन में भी ये ज्ञान का ये झलक रहे हमेशा, हमारे कर्म में, हमारी सोच में, हमारे बोलों में भी फिर मधुरता आ जाएगी। हम कड़वे वचन नहीं बोलेंगे, फिर हम अपने दिल में सिर्फ वो प्रेम रखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि कैसे ये मन जो है ये एक ही मन है, पर कभी ये इतने सारे रंगों का इसमें एक रहता है दिखाना, ये कभी एक मोम की तरह भी बन जाता है, कभी पत्थर की तरह भी बन जाता है। ये दिल के अंदर कभी नफरत भी आ जाती है और दिल में कभी प्यार भी आ जाता है। तो ये जब जब भी ऐसा हुआ है कि हम अपने मन को ये कड़वा नीम की तरह बना लेते हैं, तो हमें उस समय खुद भी वो बेचैनी रहती है। और इसी मन में जब हमने ऐसे विचार भर लिए कि हर एक से प्यार करना है, वो मिश्री वाली बात कि वो मीठा अपना मन करके सबसे पहले सुकून भी हमको ही मिलेगा, और फिर हम वो सुकून हर एक तक अपनी भावनाओं द्वारा पहुंचाएंगे, तो कैसे हम हर पल यही एक कार्य में लगें कि हमने जहां अपनी पहचान करनी है इस परमपिता परमात्मा, इस मालिक का जो ज्ञान है, जो हो सकता है, जो पाया है, उसको एक अपने जीवन के पल पल में ढाल लें। और ये फिर ऐसा एक कीमती जो हमें अनमोलक वस्तु मिली है, तो वो वस्तु को हमने कैसे हर एक तक जहां पहुंचाना है। साथ ही हमें ये फिर याद रहेगा कि हमें मन पे भी कैसे काबू रखना है, हर स्थिति में हमने अपने आप को कैसे ढाल लेना है, कैसे हमें फिर अपने जीवन में कुछ एक पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की हमें वो फिर चिंता नहीं रहती, क्योंकि यही था जो पास्ट में भी है, यही प्रेजेंट में भी है, इसी ने हमारे साथ आगे फ्यूचर में भी होना है, और जब हम नहीं होंगे तो भी इसने रहना है, क्योंकि इसका तो ना कोई शुरुआत थी ना अंत है। तो इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़, एक एक मनुष्य जिसके अंदर इसका वास है, तो वो जब तक हम ये सोचेंगे कि इस निरंकार के साथ हम जुड़े हुए हैं, तब तक ही हम एक अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे। कैसे फिर हम ये दिमाग से निकाल पाएंगे कि जो बीत गया उसकी चिंता तो हमने नहीं करनी, जो इस समय हाथ में है उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, और आगे एक कैसे अपने आप का एक अपना बेस्ट वर्जन्स ऑफ आर सेल्व्स हम कैसे वो बन सकते हैं। तो दातार कृपा करे सभी पे कि यहाँ जो जिस भाव से भी आए हैं इस सत्संग में, इस समागम पे, तो वो भाव हर एक का ये मन में एक कैसे हम अपने लिए भी ये खुद पहले तो इंसान कहलाने लायक बन जाएं, चाहे ये शरीर हमारा इंसान का है पर हमारे ये व्यवहार क्या इंसानों वाला बन गया है, क्या हम हर एक से उस तरह उसको अपना मान के उसके साथ पेश आते हैं, क्या हमारे दिल में हर एक के लिए बराबर वो प्यार है बिना किसी बायस के, क्या हमारे को एक ऐसी बातें दूसरों से करनी अच्छी लगती हैं जिससे हम कुछ अच्छी कोई गुण ग्रहण कर सकें, या फिर हमारा ध्यान यही लगा रहता है कि किसी से मिलेंगे तो और लोगों की बुराई करेंगे या कोई नुकसान करने वाली बात करेंगे। तो ये चुनाव हमारा है कि कैसे हम अपने जीवन को चलाना चाहेंगे। अगर सुधरना है, अगर अच्छे मार्ग पे इस सत्य के साथ जुड़ना है, तो वो भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। और अगर ये क्षण भंगुर दुनिया में एक झूठ का ही सहारा लेते हुए सिर्फ ये चकाचौन में ही रह जाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। पर बात यही है कि इतनी कीमती जिंदगी जो मिली है उसको फिर हम ये कौड़ी के जैसे गवा देंगे या हीरे के जैसे अपने जीवन को चमका लेंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हम
एक प्रोग्रेस जिसको कहते हैं एक मनुष्य के लिए, एक साइंटिफिक वे में तो दुनिया में बहुत हो रहा है, पर अपने मन के अंदर जो हमने एक अपने आप को बेहतर करते का अगर चुनाव किया है, तो उसको दातार कृपा करे कि हम सचमुच उस मार्ग पे ही रहें, हम सचमुच अपने आप को जहाँ पल पल ये समझें कि दुनिया में शायद हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए हमें अपने सुधार पे ही फोकस करना है, और दूसरों की कमियां ना देखते हुए उनसे जितने भी अच्छे गुण लिए जाएं उसको ग्रहण कर लें। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।